हेलो फ्रेंड्स, मैं बादल राज और मेरे दोस्त रोहित आनंद और आयुष्मान कश्यप, हम लोग राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोग केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत अपने शहर में ही समस्तीपुर में मोहम्मदपुर देवपार गांव में इस मुहिम को शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत सरकार चाहती है कि सफाई के लिए युवा शक्ति इस मुहिम में जुड़े और गांव-गांव जाकर स्वच्छता के लिए हो रहे कामों को देखे, उसे बढ़ावा दे, लोगों को जागरूक करे कि वो कैसे अपने घर को साफ रखें, क्योंकि जब आपका घर साफ रहेगा तो आपका गांव साफ रहेगा। स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत देवपुर गाँव में जाने वाले हैं। वहाँ जाकर हम लोगों को कचरे निपटारण की सही विधि बताएंगे। जैसे कि अभी गांव में हो रहा है कि लोग सारे कचरे को एक साथ जमा कर रहे हैं, फिर उसको या तो कहीं ले जाके बाहर नदी के किनारे फेंक दे रहे हैं या फिर घर के बाहर कहीं रख के उसे जला दे रहे हैं। इन सब कारण से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और कुछ ऐसे कचरे जिनका उपयोग हम खाद बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर ग्रीन मैन्योर या और बहुत सारे खाद बनाने में कर सकते हैं, उनका भी उपयोग वो लोग नहीं करके उसे फेंक दे रहे हैं। हम लोग जाके उनको बताएं कि देखिए, सारे कचरों को आप फेंकिए मत, और जो फेंक रहे हैं वो भी तरीका बिल्कुल सही नहीं है। एक तो उन्हें ज़मीन के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, जो भी कचरे फेंकने लायक है जैसे कि पॉलीथिन्स वगैरह, उनको आप गड्ढा खोद के उसके नीचे दबा दीजिए। और बहुत सारे जो बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं, जैसे आपकी आपकी सब्जी से निकले हुए कचरे या फिर घरेलू ऐसे कचरे जिनका उपयोग हम खाद बनाने में कर सकते हैं, उनसे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जो कि खेतों के लिए एक बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे आपको। और इसके वजह से आप जो बाहर से दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसमें जो आप पैसा लगा रहे हैं, आपका वो पैसा बच जाएगा और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। साथ में घर के अगल बगल जो रख रहे हैं आप, उससे बहुत ज़्यादा सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हाइजेनिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सब भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप कचरे का सही से निपटारण करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। थैंक यू। मैं रोहित आनंद, आज हम लोग इस गांव में मोहम्मदपुर देवपाड़ गांव में जाएंगे। वहां हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के विषय में आज हम लोग गांव वाले को बताएंगे कि क्यों हम लोग को खुले में शौच नहीं करना चाहिए। खुले में शौच करने से लगभग देश के 50% ऐसे घर हैं जहाँ खुले में शौच करने से बीमारियाँ होती हैं। तो खुले में शौच ना हो, इसके लिए हम लोग वहाँ गांव वालों के घर में टॉयलेट्स की व्यवस्था कराने में मदद करेंगे। खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिस बीमारी के कारण हम लोग को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होती है, पैसे खर्च होते हैं दवाई में, तो इस सब बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो कि खुले में शौच करने से होती है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ के लिए जागरूक करना है गाँव में। ग्रामीण भारत में लोग खुले में शौच करने के आदि हैं। लगभग 60 करोड़ भारतवासी खुले में खेत, झाड़ियों या सड़क के किनारे शौच की आदत से ग्रस्त हैं। सबसे ज्यादा असुविधा लड़कियों और महिलाओं को होती है, जिन्हें दिन निकलने से पहले या दिन छिपने के बाद शौच के लिए बाहर निकलना पड़ता है। इस वजह से वे अक्सर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर 10 में से एक मौत स्वच्छता और सफाई की कमियों से जुड़ी है। इसका प्रमुख कारण है खुले में शौच करने से हमारे जल संसाधन का दूषित होना। अंततः हम अपने देश के युवाओं से यह आग्रह करेंगे कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें और देश में हो रहे इस सफाई के अभियान को सफल बनाएं, हर गाँव में पहुँचाएं और हर गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाएं। अगर हमारा हर गाँव स्वस्थ रहेगा तभी देश स्वस्थ रहेगा।